छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने रीवा गगेओ के गदही ग्राम में विशाल गो अभ्यारण्य बनाए जाने के लिए पत्र लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंशों की सुरक्षा, पोषण, पुनर्वास एवं संवर्धन के लिए गो अभ्यारण अत्यंत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रीवा जिले के गदही ग्राम में 1000 एकड़ में अधिक शासकीय भूभाग में गोवंशों की सुरक्षा, पोषण, पुनर्वास एवं संवर्धन के लिए विशाल गो अभ्यारण्य बनाए जाने हेतु पत्र लिखा है। दरअसल गगेओ जनपद की हिनौती पंचायत और उससे जुड़े हुए दर्जनों पंचायतों के आसपास हजारों की संख्या में बेसहारा गोवंश मारे मारे फिर रहे हैं, जो समय समय पर किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और पशु क्रूरता का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए गोवंशों की सुरक्षा और साथ में किसानों की फसल नुकसानी को बचाने के लिए गदही में गौ अभ्यारण बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत गगेओ जनपद के हिनौती ग्राम पंचायत के गदही राजस्व ग्राम में लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक काश्तकारी योग्य एवं चरनोई शासकीय भूभाग उपलब्ध है, जिसको लेकर एक लंबे अरसे से विशाल गो अभ्यारण बनाए जाने की कवायद चल रही है। गदही में गो अभ्यारण बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा भी आवाज उठाई जाती रही है। इस बीच मामले को लेकर गोवंशों के पोषण, पुनर्वास एवं सुरक्षा हेतु हाईकोर्ट जबलपुर में जनहित याचिका भी दायर की गई है। अभी हाल ही में त्योथर विधानसभा क्षेत्र 70 के वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर त्योथर तहसील से सटे हुए गगेओ जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत में गदही राजस्व ग्राम की हजारों एकड़ शासकीय भूभाग में विशाल गो अभ्यारण्य बनाए जाने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसके बाद प्रस्ताव जिला कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प एवं जिला पंचायत सीईओ रीवा स्वप्निल वानखेड़े के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को भेजा जा चुका है। जानकारी के अनुसार हिनौती, सिदहा, बड़ोखर, कैथा सहित दर्जनों ग्राम क्षेत्र के किसानों और आम नागरिकों द्वारा संपर्क साधते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से चर्चा की गई। इस बीच हिनौती और सिदहा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी तख्तराज सिंह, उमा प्रताप सिंह, राजमणि सिंह, सिदहा सरपंच पूनम सिंह, हिनौती ग्राम पंचायत सरपंच भारत साकेत, बड़ोखर निवासी चंद्रशेखर सिंह सहित बड़ियोर से सरोज मिश्रा आदि ग्रामीण जनों द्वारा संपर्क कर पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने दिनांक 13 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर गदही की 1000 एकड़ से अधिक की भूभाग में विशाल गो अभ्यारण बनाए जाने के लिए लिखा है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा है कि वह गोवंशों के पोषण, पुनर्वास, सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु शासकीय भूभाग में विशाल गो अभ्यारण बनाए जाने से व्यवस्थाओं में सुधार होगी, जिससे बेसहारा छोड़े जाने वाली गोवंशों के साथ होने वाली पशु क्रूरता रुकेगी, साथ में किसानों की फसल की भी सुरक्षा होगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत गंगेओ जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में एक हज़ार एकड़ के शासकीय भूभाग को लेकर गौ अभ्यारण्य बनाए जाने की जो कवायद है, एक लंबे अरसे से चल रही है। इसी तारतम्य में अभी हाल ही में कुछ जो हिनौती सिदहा ग्राम पंचायत और इनके आसपास के ग्राम क्षेत्र के जो कुछ गणमान्य लोग हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट के तौर पर जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके समक्ष गए थे और उन्होंने अपना प्रस्ताव यहाँ पर रखा। तो उन्होंने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक पत्र लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर 13 जनवरी 2023 को, और उन्होंने गदही में गौ अभ्यारण्य बनाए जाने के लिए कहा है कि मतलब इस तरह से ये प्रस्ताव हमें मिला है, इस पर मतलब किया जाए, विचार किया जाए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गोवंशों की जो स्थिति है वर्तमान में, उसको देखते हुए यदि देखा जाए तो गौ अभ्यारण्य गदही में बन जाता है, तो इससे न केवल गोवंशों की सुरक्षा, पोषण, संवर्धन होगा, बल्कि किसानों के लिए भी जो दिक्कत बनी हुई है बेसहारा गोवंशों के कारण, तो उस पर भी एक उन्हें निजात मिलेगी। गोवंश आधारित जो उत्पाद हैं उनसे इंडस्ट्री एक डेवलप होगी, और साथ में एक तरह से देखा जाए तो मतलब सुरक्षा के साथ साथ एक रोजगार की भी व्यवस्था होगी लोगों के लिए। तो एक अच्छी खबर है और उम्मीद की जाती है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी।